हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं गांधी नेशनल म्यूजियम, जो कि गांधी के चाहने वालों के लिए देश की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां पे आप आकर के गांधी जी के बारे में सब कुछ जान सकते हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत है। तो ये जो गांधी नेशनल म्यूजियम है, ये राजघाट के बगल में स्थित है। राजघाट जो कि दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर महात्मा गांधी की समाधि है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो यहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो है वो है कश्मीरी गेट। तो आइए आज चलते हैं हम इसके टूर पे और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए, हम अब प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य ही ईश्वर है। तो महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति थे, इसके पहले माना जाता था कि ईश्वर जो है वो सत्य है, ईश्वर सच में है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि असल में सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। और सत्य को ईश्वर के समान उन्होंने अपने पूरे जीवन में पूजा। ये गांधी जी के सपनों का भारत, और यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। सबसे पहले एक हॉल है, और ये देखिए इनके बारे में जो प्रसिद्ध कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का, कि गांधी ऐसे 20वीं सदी के बहुत कम बुद्धिजीवियों में से एक थे जो लोगों से, आम लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात करते थे। और ये दो फ्लोर पे म्यूजियम है। पहले फ्लोर पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे जो है पेंटिंग्स और ये चीज़ें लगी हुई हैं, लाइब्रेरी है। और हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये 7 सामाजिक पाप, 7 सोशल सीन्स। बगल में जो है महात्मा गांधी की हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। और ये हम आ गए हैं अंदर म्यूजियम के। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गांधी जी का जंतर। वो जंतर जो उन्होंने संविधान सभा को दिया था जब वो संविधान बना रहे थे। वो जंतर क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि जब कभी भी आपको अपने ऊपर संदेह हो या आपका ईगो, आपका अहम आपके ऊपर हावी होने लगे, तो आप उस व्यक्ति की शक्ल को याद करो जिसे सबसे दीनहीन गरीब आपने देखा हो। और आप सोचो कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा जो सबसे गरीब है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका अहम समाप्त होता जा रहा है। और यहाँ प्रारंभिक काल, यहाँ से महात्मा गांधी की पूरी जीवन यात्रा शुरू होती है। दांडी मार्च, दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने कहा था कि अन्याय के खिलाफ न्याय की इस लड़ाई में मैं सारी दुनिया की मदद चाहता हूँ। तो असल में जो अन्याय की लड़ाई होती है, जो लोकतंत्र की लड़ाई होती है, वो किसी एक देश की, किसी एक समाज की नहीं होती है, वो सभी दुनिया की होती है। क्योंकि एक जगह का जो अन्याय है वो दूसरे जगह के अन्याय को जन्म देता है। आप देखिए, और ये गांधी जी का जो है ऑफिस है। हमने एक सीरीज की थी अंबेडकर की, अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, उसमें अंबेडकर का ऑफिस था, डॉक्टर अंबेडकर का। लेकिन महात्मा गांधी के ऑफिस में एक आपको अलग तरीके की सादगी देखने को मिलेगी। ये ना आपको नेहरू जी के ऑफिस में देखने को मिलेगा, ना सुभाष बाबू के, ना अम्बेडकर के, और किसी भी आंदोलनकारी के उस समय के ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल सादगी, ज़मीन पर बैठ के काम करते थे। और इसके आगे जो है क्रिएटिव प्रोग्राम्स हैं। जो महात्मा गांधी एक ऐसे राजनेता थे जो कि राजनीति को सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं मानते थे, वो राजनीति को बदलाव का एक औजार मानते थे। तो ये उनके क्रिएटिव कार्यक्रम, इसमें क्या ख़त्म करना था, क्या अच्छाई लानी थी समाज में, जैसे कि छुआछूत को समाप्त करना है, भाषाओं को लेकर के जो सवाल है, इसके अलावा जो स्वच्छता को लेकर सवाल है, स्वास्थ्य को लेकर के सवाल है, जो बच्चों गांव में, छोटे छोटे शहरों में जो सिखाए जाने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने की बात है। गांधी एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं थे, और अंधविश्वास से उन्हें बहुत चिढ़ होती थी, नफरत थी। उन्होंने कहा था कि जब विश्वास अंधा हो जाता है तो वह मर जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जब देश आज़ादी की तरफ बढ़ा, आज़ाद हो गया, तो महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं रुके, वो ऐसी जगहों पर चले गए जहाँ पे कि धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और उसमें से एक प्रमुख जगह थी कोलकाता का नोआखली। तो यहाँ पे आपको नोआखली की तस्वीरें दिखेंगी, और वहाँ पे जाके गांधी जी अकेले ही नोआखली में भीड़ को शांत करवा रहे हैं। और भीड़ को शांत करवाने की कोशिश में जो है उनको सफलता भी हाथ लगती है। और ये अब हम आ गए हैं जहाँ पे कि महात्मा गांधी का बलिदान दीर्घा है, जहाँ पे कि उनकी हत्या की गई थी, और उससे जुड़ी हुई जो सामग्री है वो ये है। इसके अलावा मौत पर महात्मा गांधी के क्या विचार हैं,
मौत को, मृत्यु को कैसे देखते थे, वो चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पर अब हम आ गए हैं, जो कि यहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी हुई हैं, मरने के बाद जो उनके कपड़े थे वो रखे हुए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी की मृत्यु पर इस दुनिया के सबसे महान लोगों ने जो विचार दिए वो भी रखे हुए हैं, जिसमें से कि दो विचार मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एक विचार ये है कि महात्मा गांधी की हत्या दिखाती है कि बहुत अच्छा होना कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन का वो महान विचार कि आने वाली पीढ़ियाँ यह भरोसा नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस के शरीर का ऐसा व्यक्ति भी हुआ होगा। यहाँ पे महात्मा गांधी की हार्ट बीट चलती रहती है और यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये पेंटिंग्स जो आपको दिख रही हैं डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई अलग अलग, इसमें मूँगफली के छिलके, फलों के रस, सब्जियों के रस से बनी हुई पेंटिंग्स है। इसके अलावा पत्तियों से भी बनी हुई कुछ पेंटिंग्स है। इसके अलावा एक कलाकार है जिसने अपने खून का इस्तेमाल करके, ब्लड का इस्तेमाल करके ये पेंटिंग बनाया है। तो ये जो पेंटिंग की दीर्घा है वो बहुत ही शानदार है। तो जिस व्यक्ति के भी अगर महात्मा गांधी के अंदर थोड़ी भी श्रद्धा है, कुछ भी वो जानना चाहता है, यदि वो दिल्ली में है तो उसे ये जगह ज़रूर जानी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, लेकिन ये गांधी नेशनल म्यूज़ियम है, मतलब गांधी जी के ऊपर सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर जाने की कोई फीस भी नहीं है। ये देखिए पत्ते के ऊपर महात्मा गांधी की जो पेंटिंग है वो बनी हुई है। तो ये थी महात्मा गांधी म्यूज़ियम का जो है पूरा गाइड टूर। आपको कैसा लगा हमें बताएं, साथ ही आप हमें ये भी बताएं कि आप इस जगह के बारे में क्या जानते हैं, महात्मा गांधी की कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जाते जाते ये महात्मा गांधी ने जो लिखा है, किसी विरोधी का से सामना हो तो उसे प्यार से जीतिए। और इसके पीछे जो है म्यूज़ियम के पीछे महात्मा गांधी के जो आश्रम है उनकी एक प्रतिकृति बनी हुई है, ठीक वैसा ही आश्रम यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कितना इको फ्रेंडली और इको सेंसिटिवली इसको डिज़ाइन किया गया है, कितना सुंदर यह बना हुआ है। तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएँ और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।